लेमन मोबाइल फास्टट्रैक कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड नोएडा की कंपनी द्वारा मंगलवार को आईटीआई मंडी में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। दोपहर तक रोजगार मेले में लगभग 70 उम्मीदवारों ने भाग लेकर अपने भविष्य को आजमाने का प्रयास किया, जिसमें 40 उम्मीदवारों का चयन कंपनी द्वारा दोपहर तक कर लिया गया था। बेरोजगार युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से आईटीआई मंडी में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मंगलवार को आयोजित किए गए रोजगार मेले में लेमन मोबाइल फास्टट्रैक कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड नोएडा की कंपनी ने उम्मीदवारों के साक्षात्कार लिए। अधिक जानकारी देते हुए प्लेसमेंट अधिकारी व समूह अनुदेशक दिनेश कुमार ने बताया कि रोजगार मेले में दोपहर तक लगभग 70 उम्मीदवारों ने भाग लेकर अपने भविष्य को आजमाने का प्रयास किया, जिसमें 50 उम्मीदवारों का चयन कंपनी द्वारा दोपहर तक कर लिया गया था। मोबाइल निर्माता कंपनी जो कि अब तक फीचर मोबाइल बना रही थी, लेमन मोबाइल इंडिया नाम से यह कंपनी जो कि लेमन ब्रांड से इनका फोन जो है पिछले 8 साल से मार्केट में बिक रहा है, और अब कंपनी जो है स्मार्टफोन बनाना शुरू करने जा रही है जनवरी से, और उसी के लिए जो नया प्लांट ग्रेटर नोएडा दिल्ली में कंपनी का लग रहा है, उसके लिए यहाँ प्लेसमेंट के लिए इनका एक दल आज आया हुआ है, जिसमें अब तक 70 बच्चे जो है वो पार्टिसिपेट कर चुके हैं, और लगभग 50 के लगभग बच्चों को जो है अब तक कंपनी रोजगार के लिए साइन कर चुकी है। ये पहली दिसंबर को जो है बहुत जल्दी वहाँ ज्वाइन करेंगे। दिनेश कुमार ने बताया कि इस कैंपस इंटरव्यू में आईटीआई पॉलिटेक्निक से पास डिप्लोमा व डिग्री होल्डर जिन्होंने इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से पास किया है व जिनकी आयु अधिकतम 26 वर्ष व न्यूनतम 18 वर्ष है, वही इस इंटरव्यू में भाग लेने के पात्र थे। इसमें आईटीआई के बच्चे भी है, इसमें डिप्लोमा होल्डर्स जो की इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से है, साथ में यहाँ बीटेक लोगों को भी आज रोजगार दिया गया, और इसमें लड़कियां भी आई हुई थी, और एक मैं समझता हूँ बच्चों के लिए जो आईटीआई बीटेक डिप्लोमा होल्डर किए हुए हैं उनके लिए आईटीआई मंडी के प्लेसमेंट्स सेल द्वारा एक बहुत ही बढ़िया मौका दिया गया है उनके रोजगार के लिए। आगे भी आईटीआई मंडी के प्लेसमेंट सेल का यह प्रयास जारी रहेगा कि हिंदुस्तान की कोई भी ऐसी बड़ी कंपनी ना बचे जो आईटीआई मंडी में ना आए। उन्होंने बताया कि लेमन मोबाइल कंपनी द्वारा पहली बार आईटीआई मंडी में कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया गया। कैमरा पर्सन लुकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल मंडी।